दोनों हमारा कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? हौसला नहीं झुकाए जफर, जल्द ही वो भी झुकेगा। ये सब अम्मी भाई जीनू, इन सब चक्कर में पड़ने वाले को हमारे लिए तोड़ना और झुकाना बहुत ही मामूली और आसान सी बात है। अम्मी को छोड़ दे जफर और फिर हमसे मुकाबला कर, फिर बताएंगे कि कौन किसको चुका सकता है और तोड़ सकता है। देखो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दुश्मन की अम्मी एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम्हें लगता है हम इतनी बड़ी ताकत को जाया होने देंगे? यार शहर तुम ही समझाओ इस अलादीन को। क्या है अलादीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि अब तुम्हारे सारे पत्ते खुल चुके हैं, तो हार मान लो क्योंकि तुम पूरी तरह जाल में फंस चुके हो। कैसे? वो ऐसे कि दरअसल कि नाक के ऊपर तुम जैसी चुड़ैल का जादू सिर्फ एक मर्तबा काम करता है, दूसरी बार किया तो पहला भी ताए ताए फूट। जिनू तुम अम्मी को लेकर यहाँ से जाओ। नहीं अलादीन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मी जिनू तुम लेकर जाओ इन्हें। हम कैसे जाए, ये हमारा हुक्म है, जाओ। मेरी आका जीत की दुआ करेंगे हम मालिक के दो जहां से, तो मानना पड़ेगा आका का, तो रवाना हम यहाँ से। जी 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 या अल्लाह। हाँ आप फिक्र मत करिए अम्मी, जहरीले भाई बहनों को मैं अभी ठीक करता हूँ। रुको छोटे, जादुई जड़ों पर तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा, लेकिन एक चीज है जो काम करेगी। याद फरमाते हैं आपके लिए, तो चलो आप दोनों को आजाद कर देते हैं। चलो जाहिर तुम ही बताओ किससे शुरुआत करें। इस लड़की को देखकर ना मेरा इतना खून खोलता है ना। सुल्ताना है बगदाद, शाही तख्त पर ना मेरे भाई जैसे शाही लोग बैठते हैं, तुम जैसे चोर नहीं। ये हमारी
आंखों में खटक रही है भाईजान, पहले इसी का काम तमाम करते हैं। ठीक है। क्या हुआ? अगर इस खंजर ने यास्मीन को छुआ तो तू अपना हाथ उठाने लायक नहीं रह जाएगा, और ये हम धमकी नहीं वादा करते हैं। अरे एक बात बताओ, पहले तो हमारे सामने बड़ा नाटक करते थे तुम, ये तुम्हें पसंद नहीं यार, बताओ बड़ी तकलीफ हुआ करती होगी ना? और तुम सुनो, तुमने रूह का नाटक किया था ना, और अब हम उसे असलियत में तब्दील करने वाले हैं। ठीक है, ताल मिलाऊं मैं अपनी ताल में, तहरीले फंसे अपनी ताल में। जी 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 जी, जी, जी। गुस्ताखी तुम्हें भारी पड़ सकती है। अच्छा, जब भाई और प्यारी परेशानी ही फंसे तब तो बड़ा उछल रहे थे, और जब अपनी बारी आई तो टाई टाई फिस। सुनो, इस समय तुम लोगों की मदद सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसलिए ये बताओ कि इसका तोड़ क्या है। शाबाश जिनू, सही खेल गए। जड़ों से निजात पाने का तरीका बताओ जल्दी। भाईजान सुनो, तुम्हें शायद मरने का शौक होगा, मगर आज की तारीख में हमें मरने का शौक नहीं है, बताओ जल्दी। वो जहर देख रहे हो, तो इन जड़ों पर छिड़क दो, पकड़ ढीली हो जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हो मेरी अम्मी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ओ यास्मीन, बर्ताव इसने किया है, हमें तो फारिग करवा दो। हाँ? आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों को तोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा जिनू। हम तुझे ऐसी मौत देंगे ना सफर, मौत कभी पसीना आ जाएगा। अगर कुदरत की कचहरी में तू अपने गुनाह कबूल कर लेता तो एक झटके में मर जाता, लेकिन अब तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अलादीन, याद है ना अम्मी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जान लेना देना हम इंसानों का काम नहीं, कुदरत का काम है। इन दोनों को तो मौत से भी बदतर सजा मिलेगी, पर इनकी सजा हम तय नहीं करेंगे, सजा वो देंगे जिनके ये गुनहगार हैं। बगदाद की आवाम देगी इन्हें सजा। नहीं, मैं उस भिखारी कौम के सामने नहीं जाना। यास्मीन तुम ठीक कह रही हो, इन्हें मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। इन्हें तुम बकरी और गरीब कह रहे हैं ना, वो बगदाद की वफादार नेक आवाम है, और तुम दोनों उनके गुनहगार। तुम दोनों का फैसला कुदरत के नहीं अवाम के दरबार में होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। चलिए अम्मी। जफर जहर मुर्दाबाद, 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 जफर जहर मुर्दाबाद।
रहे हैं, हमारी हिफाजत कीजिए। बड़े भाई सड़े हुए टमाटर आपको दिखाइए। ये बड़े भाई हैं, लेकिन तुम अच्छी बहन होने का फर्ज निभाओ। चलो आगे ना। अंगूठी छाप भी इन लोगों के साथ है। तूने हमारी अम्मी की जिंदगी, उनकी यादें, उनका शौहर, उनके बच्चे सब छीन लिया। उनसे माफी मांग। तुम दोनों भाई बहन ने इनकी जिंदगी को खिलौना बना दिया। माफी मांग, सफर मांग माफी। और ये इसके अब्बू की जान ले ली, इनसे माफी मांग। और ये सब बगदाद के मासूम लोग, इनकी जिंदगी छीन ली तुमने, इनकी यादें छीन ली, इनसे माफी मांग। तू ना माफी के काबिल और ना ही तुझे कोई माफी देगा, लेकिन फिर भी तू इन सबसे माफी मांगेगा। मांग माफी। हम माफी नहीं मांगेंगे। मांग लीजिए भाईजान। मर जाएंगे लेकिन माफ नहीं मांगेंगे। तो मर जाओ। मांग रहे हैं माफी। हाँ मांग रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए रुखसार बेगम, माफ कर दीजिए। अब बारी है उस खबीस को देखने की जिसने हमारे बादशाह सलामत की जान ली। नहीं, नहीं, नहीं। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। अलादीन, अम्मी, अलादीन और तुम्हें क्या अलग से दावत देनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें 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 भी माफ कर दीजिए। जफर जहर, मुर्दाबाद। जफर जहर, मुर्दाबाद। जफर जहर, मुर्दाबाद। जफर जहर, मुर्दाबाद। अलादीन सुल्ताना, मुर्दाबाद। अलादीन सुल्ताना, मुर्दाबाद। जफर जहर, 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 मुर्दाबाद। अलादीन, अब तक देर नहीं हुई। अब तक जो कुछ भी हुआ उस सबको हम भुला देंगे अगर तुमने हमें जाने दिया तो। नहीं जाने देंगे, शहजादे ऐसे ही होते हैं। अब तुम दोनों यहां पड़े रहो। इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये खोखली धमकियां हैं सफर, पर याद दिला दे कि कैद खाने का ताला खोखली धमकियों से नहीं खुलता। और सच और झूठ की लड़ाई में देर से ही सही, मगर जीत हमेशा सच की होती है। और आज भी वही हुआ। बेहतरीन। अब चले। चलो। अलादीन, अलादीन। भाईजान, संभाल के भाईजान। जोर का छक्का और जोरों से लगा। सही खेल गए। ये मत सोचना अलादीन कि तू जीत गया।
हमें जो धोखा दिया। अरे वो नहीं दे पाता भाईजान, अगर आप थोड़ा सा यकीन करते हम पर तो। और अगर तुम जहर उस अंगूठी छाप पर इतना सारा यकीन नहीं करती ना, तो ये नहीं हो पाता। कमाल है, क्या खेल गया वो लड़का। हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की और इस वक्त वहाँ बाहर यास्मीन की ताजपोशी की तैयारी चल रही होगी और यहाँ हम दोनों झगड़ रहे हैं। ताजपोशी? अरे हाँ, काश हम कुछ कर पाते, इस जगह से निकल पाते। काश किसी को बुला लेते मदद के लिए। कुछ तो तरीका होगा भाईजान, कोई तो ऐसा तरीका होगा जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। कोई है वहाँ? आज तो कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। अम्मी, अलादीन, ये सब क्या हो रहा है? बताते हैं। खली बली छुप के आया मैं। नाम दो काय को। सुनो, यहाँ काम बहुत है, जैसा हम तुमको बता रहे हैं तुम्हें वैसे ही करना है। खाने में इन दोनों से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। ये दोनों किससे बात कर रहे हैं? कहीं इन दोनों जहरीलों ने कोई नया नाटक तो नहीं शुरू कर दिया है? अम्मी, छोटे, आप दोनों चलिए, मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार कैद खाने का चक्कर लगा के आता हूँ। ठीक है अंगूठी छाप, तुम जल्दी आना। जी। समझ रहे हो ना? हाँ, खली बली सब समझा, काम हो जाएगा। हाँ हाँ, वक्त लगेगा। अरे वक्त ही तो नहीं है। खुदा का शुक्र है, जफर और जहर से बगदाद को छुटकारा मिल गया। शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन। आप सबने हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। किसी भी मुल्क को उसका हुक्मरान नहीं बल्कि अवाम चलाती। अवाम मुल्क के पांव होते हैं और एक अच्छा सुल्तान उन पांव की ताकत बनता है। लेकिन जफर जैसा सुल्तान
उन पाँव में बेड़ियां डालता है जो उसे तरक्की और खुशहाली की राह पर चलने से रोकती है। पर इतने बरसों के बाद अब वो बेड़ियां टूट चुकी और आज आपको अपनी ताकत भी मिल जाएगी और वो ताकत आपके इस प्यार और बगदाद के तख्त की हकदार हैं, वो जिसके लिए आप सब अपने हैं, जिसके लिए बगदाद की मिट्टी उसकी माँ है, जिसके लिए शाही ताज से भी ज्यादा कीमती है तो आप सबके होठों की मुस्कुराहट। आपकी अपनी सुल्ताना है बगदाद, सुल्ताना यास्मीन, 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 सुल्ताना यास्मीन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.